हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो गाइस, आज हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक यानी गाउन बनाना। सो गाइस, इसके लिए हमने लिया है ये 4 मीटर का फैब्रिक। ये साटन फैब्रिक है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है। सो गाइस, चलते हैं, हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, ये देखिए हमने पूरा कपड़ा बिछा लिया है, आप देख सकते हैं ये 2 फोल्ड है। गाइस, हम ट्रायंगल शेप में गाउन की कटिंग नहीं करेंगे, या हम नए तरीके से आपको बता रहे हैं कि कटिंग कैसे करते हैं, जिससे हमारा घेरा खूब ज्यादा आता है। सो गाइस, चले इसका मेजरमेंट हम करते हैं। तो लेंथ में ये हमको लेना है 40 इंच, वेस्ट हमारा रहेगा 17 इंच रेडी, यानी हमको 20 इंच की कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो हमारा ओपन साइड है, ये आप देख सकते हैं जो ओपन साइड है, उस तरफ से आप कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये देखिए गाइज, हम 20 इंच कर लेंगे, इसके बाद हम शेप बनाएंगे। ये हमने हल्का निशान लगा लिया है, अब इसके बाद इसका मेजरमेंट हम करेंगे कि हमारा पूरा कंप्लीट है कि नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इधर हमारा 15 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल 15 इंच है, इधर भी हमको 15 ही इंच लेनी है। ये गाइस जी देखिए, 15 इंच हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये 20 से भी हमको 15 ही इंच लेना है, और इसको हमको ऐसे राउंड शेप बना देना है। गाइज, ये हमारा वेस्ट का कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पूरी लेंथ कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये निकालने के बाद हमारा बच रहा है 27 इंच, यानी 27.5 इंच, और हमको चाहिए गाइज 39, यानी 40 इंच। चलिए हम 39 इंच यहां तक मेजरमेंट करते हैं। तो गाइज, इसमें हमको कली लगानी पड़ेगी, जिससे हमारा घेरा भी बढ़ेगा, हमारी लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। इतना हमारा कपड़ा कम आ रहा है, तो इसमें हम कली लगाएंगे, और इसके हिसाब से हम राउंड शेप बनाते जाएंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है लग के, आप देख सकते हैं कितना घेरा आ रहा है। अब ये जो हमारा बचा है, ये आप देख सकते हैं, इतने में हमने निशान नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमको कली ज्वाइंट करनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी लेंथ कम्प्लीटली नहीं आ रही है, एक साइड से भी हमको 39 इंच का लेना है, तो ये हमारा 39 इंच यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीट यहाँ पे हो रहा है, लगभग 9.5 इंच की कमी है, तो इसमें हम कली ज्वाइंट करेंगे। कली ज्वाइंट करने के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा है। तो गाइज, ये हम कटिंग करके निकाल लेते हैं, इसके बाद में हम कली ज्वाइंट करके आपको दिखाते हैं कि ये हमारा किस तरह से आता है। गाइज, ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब इसके बाद हम कली की ज्वाइंट करेंगे। सो गाइज, ये देखिए हमने एक कली लगा ली है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद ये पूरा फुल घेरा हमारा आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसा लुक आ रहा है हमारा, कितना घेरा आ रहा है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ये कमर की। सो गाइज, अगर ऐसे ही स्टिचिंग का और कटिंग का वीडियो देखना है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और प्लीज कमेंट में बताना ये कटिंग आपको कैसा लगा। सो गाइज, इसके बाद चलिए ये हम रखते हैं, कटिंग करेंगे हम पेटी की।
गाइस देखिए ये ट्रायंगल शेप में रखने पे हमारा घेरा कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा घेरा है इसमें, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। अब इसके बाद गाइज हम बताएंगे आपको पेटी की कटिंग करना, पेटी हमारा कितना और कैसे कटिंग होगा, कितना मेजरमेंट हम लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम कटिंग करके आपको बताते हैं कि हमारी पेटी कैसे कटिंग होगी। गाइज ये देखिए हमने पेटी के लिए इतना फैब्रिक लिया है, इसको हमने 2 फोल्ड किया है, अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन साइड है, ये हमारा क्लोज साइड है। इसके बाद हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है कि हमारी पेटी कितने इंच की लंबी रहेगी। गाइज इसके लिए हम लिए हैं 15.5 इंच, इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे क्योंकि इसके इधर हमको कपड़ा नहीं लेना, ये हमारा पेटी बनेगा। अब इसके बाद में गाइज हमको शोल्डर का मेजरमेंट करना है, तो शोल्डर हमारा रहेगा 6.5 इंच। इसके बाद हम आर्मोल लेंगे, आर्मोल हमारा रहेगा 7 इंच। हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट होगा, चेस्ट हमारा रहेगा जितना हमने लिया है उतना टोटल हम करेंगे 12.5 इंच क्योंकि ये हमारी हाईवी साइज का है। गाइज आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको जरूरत है। इसमें हमारा टैक्स भी पड़ेगा तो इसलिए हम कमर पे ज्यादा ले रहे हैं 1 इंच, प्लस उसमें हम स्टिचिंग का भी ऐड कर दिए हैं। हम कमर पे लिए हैं 12 इंच, तो हमारा 1 इंच जाएगा टैक्स में, यानी 11 इंच बचेगा। उसके बाद हमारा जो भी बचेगा वो स्टिचिंग में जाएगा। सो गाइस चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारा जो आर्म होल शेप रहेगा ये हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच। सो गाइज ये हमारी पेटी कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। गाइज ये देखें हमने कंप्लीट कर लिया है, 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये गाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है पेटी की कटिंग। अब नेक का कटिंग हम इधर नहीं करेंगे क्योंकि हमको कैनवस का नेक बनाना है। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।